अरे पापा जी आप हंस क्यों रहे? अरे मैं सब जानता हूँ। जानता हूँ मतलब क्या जानते हैं आप? यही कि ये विभूति नारायण तुम्हारा हस्बैंड है। आप कमाल के फूफा जी, आपको पता है कि मैं अनु का हस्बैंड हूँ, उसके बावजूद आप अपनी बिगड़ायल बेटी को मुझसे भिड़ाने में लगे हुए हैं। अरे मेरी बेटी कोई बिगड़ायल नहीं है, बहुत अच्छी लड़की है वो, और एक बहुत ही अच्छे लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है, अमेरिका सेटल होने वाले हैं दोनों। उसी की शादी का निमंत्रण देने तो मैं यहाँ आया था। या इसका मतलब आप ये सब उनसे मजाक कर रहा था। क्योंकि मैं जानता था कि तुम्हारा हस्बैंड नल्ला भी है और एक नंबर का बदतमीज भी। बहुत सही। क्या बकवास करी आपने? नहीं, क्या बकवास करी आपने? कुछ तो ख्याल कीजिए अपनी उम्र का। और मैं आपका दामाद हूँ, दामाद से ऐसे बातें करते हैं? That's how you address your दामाद? बेटा ये जो तुम मेरे साथ कर रहे हो ना, इसी को बदतमीजी कहते हैं। कोई शरीफ लौंडा ना ऐसे बुजुर्गों से इस भाषा में बात नहीं करता। और बुजुर्ग किसी से किसी भी भाषा में बात कर सकते हैं, राइट? ओफो विभू, अब क्यों बहस कर रहे हो पुपा जी से? चुप नहीं बैठ सकते? पुपा जी, आपको विभू के बारे में किसने बताया? तुम्हारे पापा ने। लेकिन उस दिन जो तुम्हारे साथ मेरी फोन पे बात हुई और तुमने कहा कि मेरा पति किसी मल्टीनेशनल कंपनी में CEO है, तो मैंने सोचा चलो बिटिया रानी के साथ थोड़ा सा मजाक कर लिया जाए। बस मैंने ये स्टोरी बना डाली। बहुत ही घटिया स्टोरी बनाई है आपने, सॉरी टू से। दरोगा जी, गिरफ्तार कीजिए, गिरफ्तार कीजिए दरोगा जी इस घटिया आदमी को। जल्दी चढ़िए, नीच आदमी, मेरी एक भाभी माँ के होते हुए दूसरी भाई माँ के साथ चक्कर चला रहा है ये घटिया आदमी। दूसरी भाई माँ के साथ शादी करना चाह रहे, जिंदगी बर्बाद कर रहा है उसकी, गिरफ्तार कीजिए इसको। तुम भैया विभूति, तुमने सोचा पूरी उतार के धर दई? खैर छोड़ो ससुर, गोरी में बांटे दिस। अरे जो मुंह और मसूर की दाल, जी जी कौन आदमी के चक्कर में फंस गई आप? हद करें हो ससुर। ओफो ये क्या कह रहे हैं आप? देखिए ये सब झूठ है, सब झूठ है, एकदम झूठ है। बस चुप करो, बिल्कुल चुप। सच और झूठ को फैसला हवालात में होगा। तुम पहले उठो, उठा यार। अदो चुप, अदो ले चुकी भैया, यहाँ आ जाइए। क्या हो रहा है? चलिए भाभी जी, फिर चाय वाय बनाइए फूफा जी के लिए और फिर हम भी पी लेंगे। देखो इस मामले में दखलंदाजी मत करो, आप लिखिए, लिखिए कि एक शरीफ किराएदार चाहिए। और एड्रेस है ना आपके पास, मैंने भेजा था। जी मैडम, एड्रेस है। हाँ वैसे मैडम किराया कितना होगा? किराया 3,000, 5,000। अच्छा ठीक है, ये लिखिए किराया 8,000 प्लस फूड। और ये फूड मतलब खाना कौन बनाएगा? I got it. That's me. Yeah. Of course. हाँ, और एक बात बहुत importantly लिखिए कि किराएदार का कोई criminal record नहीं होना चाहिए। Criminal record नहीं होना चाहिए। I am not eligible. अब ये लिखिए कि वो पहचान पत्र जो भी है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, उसकी फोटोकॉपी चाहिए और ओरिजिनल भी देखनी है। जी मैडम। क्या बात है तिवारी, भाभी जी अपना घर किराए पर दे रही है। भाभी जी के सानिध्य में रहने का इससे अच्छा मौका और हमें नहीं मिल सकता। लेकिन समस्या ये है कि हम भाभी जी के घर में किराए पर आएंगे कैसे? अंगूरी अम्मा जी से कह के हमारी बैंड बजवा देगी बे। नहीं, इसका उपाय भी है हमारे पास।
भाभी जी हम आ रहे हैं आपके यहाँ किराएदार बनकर। मलखान ये दरोगा जी ने अपन को काम तो बहुत सही दो यार। जो भी किराएदार मकान मालिक को घर खाली ना कर रहा हूँ ना, सारे को घर से बाहर निकाल के फेंक दो और पेमेंट पकड़ो। यार सही कह रहे हो, लेकिन सारो कोई कोई किराएदार ना बहुत अकड़ होते है, मानतो ही ना है, जैसे जे लटुरी हो। है तो डंडो है ना अपने पाप सुधारने के लिए। आए भैया हैं? बात 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 बहुत बढ़िया। बिराजो बिराजो ससुर। अरे दादा ऐसा ही करो भैया तरक्की, हमारा तो ससुर दिल से आशीर्वाद है, जो मोहल्ला को नाम करो, फलो फूलो, तरक्की करो। पेमेंट दे दो हमारा। दे रहे ही नहीं यार। ले पकड़ो जो तुम आओ इनाम जो। अब सुनो नौ काम भैया, भी है ना अपनी लाला बनवारी लाल, उनका एक अड़ियल किराएदार घुस गया हुआ ससुर, ना पैसा टका दे रहा हुआ ना निकलने को नाम ले रहा हुआ, तो वो है तुम्हें निकलवाने बाको। तुम बता दो कब निकाल लो है। अरे कब का निकालना यार, डेट आ गई है बिल्कुल आखिरी है, आज देख लो, नहीं तो सीधे जाइयो सारे के धक्का मार के निकालियो, समझे? डंडे नैया खदेड़ भाइयो सारे के बिल्कुल, हमें देख लेंगे। और दरोगा जी किसको निकलवा रहे हैं खदेड़ के? ना ना आजकल यार भैया विभूति हमने एक साइड में बिजनेस शुरू करो है। अच्छा कैसा बिजनेस? भैया विभूति बिजनेस जो है यार कि जोन किराएदार मकान मालिक को घर नहीं छोड़ते हैंगे, उनको हम बाहर खदेड़ के धक्का दे के निकलवाने को काम कर रही हैं, और जी हमारे दो शेर वो काम में हमारो साथ देते हैं। तो जो है हमारा नो बिजनेस। ये बिजनेस कहाँ है दरोगा जी, दो गुंडा कर दी है। जो को बकवास कर रहे? सही कह रहा हूँ कि आप एक मजबूर आदमी को उसके घर से बाहर निकाल देते हैं, वो कहाँ जाएगा क्या करेगा कभी सोचा है आपने? इस बार हम अंगूरी को मजबूर कर देंगे कि वो हमसे झगड़ा करे, ताकि हमें घर छोड़कर जाने का बहाना मिल जाए। अंगूरे अंगूरे ले चुके भैया। अरे आप शराब पी कर आए हैं? तो तुम क्या उम्मीद कर रही थी कि जहर पी के आते? ऐसा काहे बोल रहे, जहर पिए आपके दुश्मन? हमारा तो एक ही दुश्मन है और वो है तुम्हारा डैडू, क्या तुम उसे जहर पिलाओगी? अब काहे ऐसा बात कर रहे हैं हमसे? ऐसा बात कर रहे हैं मतलब? अब मतलब हम देख रहे हैं आप सुबह से ही हमसे बहुत झगड़ा करने का कोशिश कर रहे हैं। अच्छा हम तुमसे झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, मतलब तुम्हारा ये है कि हम झगड़ालू हैं? अगर हम झगड़ालू हैं तो हमें घर से बाहर काहे नहीं निकाल देती? कैसा बात करे, काहे निकाल दे आपको घर से? ना ना निकाल दो घर से बाहर, एक बार अपने मुंह से कह के तो देखो कि लड्डू के भैया घर से बाहर निकलो, हम तुरंत अपना बोरिया बिस्तरा उठा के घर से बाहर निकल जाएंगे। नहीं हम नहीं बोलेंगे, आपका इतना इच्छा हो रहा है तो हम ही घर छोड़कर चले जाते हैं। बहुत अच्छे बहुत अच्छे, मतलब तुम हमसे पीछा छुड़ाना चाहती हो है? हम तो ये सब आपकी खुशी के लिए करेंगे, आपको क्या हो गया है? मतलब तुम्हारे जाने से हमें खुशी मिलेगी? मतलब तुम सोचती हो कि हमारा कहीं कोनो चक्कर चल रहा है? तुम ऐसा कहा बोले लड़के भैया, कहा बोले ऐसा? तुम बोल नहीं रही हो, यही तुम्हारे दिल में है। तुमने एक धंधा शुरू किया था ना घर खाली करवाने का, वो चल रहा है ठप हो गया? चल रहा है भैया, बहुत जोर का चल रहा है। मेरे घर में एक बड़ा घटिया आदमी रहता है, उसे घर खाली करवाना है। घर में तो भैया आप रहते हो। मैं किराएदार की बात कर रहा हूँ बे। भैया हो जाएगा खाली, जहाँ कौन सी बड़ी बात है रही है। अभी कभी खाली करवाओ, अभी कभी खाली करवाओ बस। अभी क्या हुआ? चुआ है क्या? चुआ है क्या? चुआ